हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल मैथ किंग मेकर कंसेप्ट में। फोकस आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ सिंपल इक्वेशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। वैदिक मैथमेटिक्स का एक बहुत ब्यूटीफुल एप्लीकेशन है जो आज हम यहां पे आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। देखने में सिंपल इक्वेशन बहुत इजीली लगती है, बहुत आसानी से हम उनको सोल्व कर सकते हैं कन्वेंशनल मेथड से, बट थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो अगर उस लेंदी मेथड से बचना चाहते हैं तो ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो लेक्चर को अंत तक देखते रहिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कैसे हम वैदिक मैथमेटिक्स की हेल्प लेते हुए बहुत सिंपल तरीके से सिंपल इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चार कैटेगरी की सिंपल इक्वेशन ली है, उन चार कैटेगरी की सिंपल इक्वेशंस को मैं आपको यहाँ पे सिंगल लाइन में कैलकुलेट करना सिखाने वाला हूँ। तो आइए चलते देखते हैं कैसे हम उसको कैलकुलेट करने वाले हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी का इक्वेशन है हमारा ax plus b is equal to cx plus d। सो क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि बहुत ही ब्यूटीफुल लेक्चर होने वाला है ये, तो एक लाइक तो बनता है, शेयर कर दीजिए लोगों के साथ इस लेक्चर को जिससे ज्यादा लोगों तक ये चीजें पहुंच सके, और चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें जिससे कि आपको मेरे आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए, पहला हमने कैटेगरी लिया है कि ax plus b is equal to cx plus d, मान लेते हैं इस तरह का कोई इक्वेशन है, तो उसको हम सिंपल एक लाइन में कैलकुलेट कर सकते हैं x की वैल्यू हो जाएगी राइट साइड वाला जो कोफिशियंट है वो माइनस लेफ्ट साइड वाला कोफिशियंट अपॉन लेफ्ट साइड वाला कांस्टेंट, लेफ्ट साइड वाला कोफिशियंट ऑफ x माइनस राइट साइड कोफिशियंट ऑफ x, बहुत सिंपली। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू कैसे लिखेंगे, 9 माइनस 7 अपॉन 2 माइनस 1 दैट इज 2 अपॉन 1 दैट इज 2, बहुत सिंपल तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, x की वैल्यू 2 रखो तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 7 आ गया 11, यहाँ पे 2 प्लस 9 इज 11, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारी यहाँ पे इक्वल हो जाती है। तो अभी देखते हैं हम कैटेगरी, जो दूसरी कैटेगरी है हमारी, दूसरी कैटेगरी का इक्वेशन देख लेते हैं। देखो ये अक्सर आता है आपके एग्जाम में, बहुत बार पूछा जाता है कि x plus a x plus b is equal to x plus c into x plus d, तो x की वैल्यू बताइए। तो इसको बहुत कम्बरसम हो जाता है, बहुत लॉन्ग हो जाता है, अगर हम इसको पहले हम इसको खोलते हैं मल्टीप्लाई करते हैं फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं फिर कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं, कैंसिल होने के बाद एक्स की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, हम सिंगल लाइन में आपको कैलकुलेट करना सिखा रहे हैं। करना क्या है आपको, जो राइट साइड वाला कॉन्स्टेंट टर्म है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है माइनस लेफ्ट साइड वाली कॉन्स्टेंट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना है अपॉन जो एक्स का कोफिशिएंट, एक्स के साथ जो वैल्यू है, एक्स के साथ जो वैल्यू लिखी है एक्स प्लस ए और x plus b, लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज को ऐड कर देना है और माइनस राइट साइड वाली वैल्यूज को सबट्रैक्ट कर देना है। तो बहुत सिंपल ही एक लाइन में हम इसको कैलकुलेट करके दिखाते हैं आपको, माइनस 3 और माइनस 4 का मल्टीप्लाई, माइनस 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 1 और 2 का मल्टीप्लाई अपॉन a plus b यानी कि 1 plus 2 और माइनस माइनस 3 और माइनस 4। तो इसको हमने लिख दिया बहुत सिंपल, तो ये हो जाएगा हमारा 12 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2 आ गया हमारा 3 और माइनस 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 आ गया और माइनस बाहर में है तो हो जाएगा प्लस 7, तो ये हो जाएगा हमारा 10 अपॉन 10 दैट इज इक्वल्स टू 1। अब इसको वेरीफाई करके देख लो, देखो बहुत सिंपल, कितने जल्दी आपने इसको कैलकुलेट कर दिया। अब इसको कैलकुलेट करके देख लो, वेरीफाई करके देख लो, एक्स की वैल्यू 1 रख के देख लो, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 और 1 प्लस 2, इसका मतलब कितना हो गया 2 इंटू 3 दैट इज 6, इसमें रख के देखो तो 1 माइनस 3 और 1 माइनस 4 तो ये हुआ माइनस 2 और ये हुआ माइनस 3 दैट इज 6, तो दोनों की वैल्यू बराबर है, इसका मतलब है कि आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल। तो एक और कैटेगरी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, तो वो कैटेगरी क्या है हमारी, ax plus b upon cx plus d is equal to p upon q, इस टाइप की अगर कोई इक्वेशन दे रखी है तो उसमें हमें क्या करना है, देखो b का q के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, b का q के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया और उसमें से माइनस कर दिया d और p का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बी क्यू माइनस डी पी अपॉन फिर a का q के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस कर दो c का p के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है समझ आई बात, पहले b का q के साथ मल्टीप्लीकेशन माइनस d का p के साथ मल्टीप्लीकेशन अपॉन फिर a का q के साथ मल्टीप्लीकेशन और फिर C का P के साथ मल्टीप्लीकेशन, उसको माइनस करना है, जो आंसर आए उसके आगे एक और माइनस रख देना है। तो यहाँ पर सिंगल लाइन में आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये वाला एग्जांपल
तो यहाँ पे क्या करना है, वन की मल्टीप्लाई फोर में करनी है, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस, पहले माइनस लगा लिया, वन की मल्टीप्लाई फोर में फोर आ गया, माइनस थ्री की मल्टीप्लाई वन की मल्टीप्लाई थ्री में कर ली हमने, तो ये आ गया हमारा थ्री अपॉन। उसके बाद क्या करना है, इसका कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई फोर में करनी है, तो वन का मल्टीप्लाई फोर में किया फोर आया, माइनस टू का मल्टीप्लाई थ्री में किया तो ये आया माइनस सिक्स। ठीक है, तो फोर माइनस थ्री कितना हुआ, ये पहले माइनस लिख देते हैं यहाँ पे, फोर माइनस थ्री इज वन और फोर माइनस सिक्स इज माइनस टू, तो आंसर आ जाएगा आपका वन बाई टू। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, वन बाई टू। देखो कितना सिंपल तरीके से आपने इसको कैलकुलेट कर लिया, लेट अस वेरीफाई इट। तो एक्स की वैल्यू वन बाई टू रखेंगे, तो वन बाई टू प्लस वन अपॉन टू इंटू वन बाई टू प्लस वन, तो ऊपर हो जाएगा आपका थ्री बाई टू और नीचे हो जाएगा आपका, टू से टू कैंसिल हो गया तो नीचे हो जाएगा टू, तो ये आंसर आ गया आपका थ्री अपॉन फोर, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको यहाँ पे कैलकुलेट। अब हमारी चौथी और आखिरी कैटेगरी को स्टडी करते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया है, m अपॉन x प्लस a प्लस n अपॉन x प्लस b इज इक्वल टू जीरो, तो सिंगल लाइन में हम उसको कैलकुलेट करके x की वैल्यू को लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू माइनस एम बी माइनस एन ए अपॉन एम प्लस एन। तो क्या करना है, m का मल्टीप्लाई हमें करना है किसके साथ, इसके फ्री कोफिशियंट के साथ, और n का मल्टीप्लाई करना है a के साथ, तो माइनस एम बी लिखना है माइनस एन ए लिखना है और दोनों को नीचे ऐड कर देना है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक्स की वैल्यू किसके बराबर लिखेंगे, एक्स की वैल्यू लिखेंगे हम माइनस एम, एम की वैल्यू कितनी है वन है, तो इसको लिखेंगे माइनस वन और बी की वैल्यू देखो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, सो वन का मल्टीप्लाई टू के साथ और माइनस टू का मल्टीप्लाई वन के साथ करेंगे अपॉन एम प्लस एन यानी कि वन प्लस टू, तो आंसर कितना आ गया माइनस टू अपॉन थ्री दैट इज माइनस फोर अपॉन थ्री। तो अब इसको वेरीफाई कर लेंगे, वन अपॉन माइनस फोर बाई थ्री प्लस वन प्लस टू अपॉन माइनस फोर बाई थ्री प्लस टू, वेरीफाई कर लो इसको। तो यहाँ पे थ्री आ गया हमारा एलसीएम, माइनस फोर प्लस थ्री और ये हो गया टू अपॉन यहाँ पे थ्री एलसीएम माइनस फोर प्लस सिक्स, तो ऐड करोगे इसको थ्री ऊपर चला जाएगा, सो ये हो जाएगा थ्री अपॉन माइनस वन और प्लस ये भी थ्री आपका ऊपर चला जाएगा, सो टू इंटू थ्री अपॉन ये बचेगा नीचे आपका टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा माइनस थ्री प्लस थ्री दैट इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब आपका जो इक्वेशन है वो वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, सो आई होप के लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा, लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, कुछ अगर कमेंट है आपको तो कमेंट भी जरूर दें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच, देखते रहिए मैथ किंग मेकर, थैंक यू।